एल्जेब्रा विदाउट सिंबल्स, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम वो तरीका सीख रहे हैं जिसमें बच्चा एल्जेब्रा लेवल के जो हम एक्चुअली क्लास 7 और 8 में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं वो क्लास 3 और 4 में कर सकते हैं। इसको प्री एल्जेब्रा भी कह सकते हैं, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव मेथड बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाने के लिए। और मैथमेटिक्स में असल हमारा मकसद उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे लेके जाना है। अरिथमेटिक्स आर टूल्स, द रियल थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इट नीड्स मोर देन नोइंग अरिथमेटिक्स और मैथ्स फार्मूलाज। इट्स अबाउट थिंकिंग, अबाउट थिंकिंग एंड ट्रांसलेटिंग दैट प्रॉब्लम इनटू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। तो अब देखें ये किस तरह है कि हमने पार्ट होल का एक मेथड किया था, तो और उसके आज हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको समझ आए कि कितना इंटरेस्टिंग और इजी ये बना देता है चीज़ों को। मिसाल के तौर पे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कि 2 एप्पल्स और मैंगो, ये इनका जो ये गठड़ी है इसकी कीमत तो 4 रुपये लिखी हुई है, वट एवर द करेंसी इज, एंड 2 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज, ये सारे मिला के ये 9 के हैं। अब ये बहुत सॉर्ट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप देखेंगे कि इट मेक्स इट सो इजी एंड फन। तो लेट्स से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जी मैंगो जो है ना उसको एक बार से और एप्पल को एक बार से, राइट। अब पहला जो स्टेटमेंट था कि 2 एप्पल, तो हमने 2 ले लिए और 1 मैंगो, ठीक है, तो उनकी कीमत 4 है, तो फाइन वी मेड इट लाइक दिस, ठीक। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें 2 एप्पल और 3 मैंगो एंड इट इज 9, दैट्स ऑल। और अब आपको समझ आना शुरू हो गया है कि अगर ये 4 है और ये सारा 9 है तो ये कितना है, सिंपल 5। अगर ये 5 है तो आपको ये इसका हाफ ऑफ कितना है, 2.5 एंड यू नो एवरीथिंग नाउ। अगर ये 2.5 है तो फिर ये कितना रह गया, 1.5। और सो इट्स सो ईजी, इट मेक्स द थिंग सो ईजी एक्चुअली। अदरवाइज आप हमारे किसी बच्चे को देख लें तो यू कांट फाइंड, नहीं तो ये मसला असल में क्लास 3 का बच्चा आराम से सॉल्व कर लेता है वंस शी इज पुट ऑन दिस पाथ टू हाउ टू विजुलाइज थ्रू दीज बार्स। अब ये टिपिकली हमारे सिस्टम में ये 8वीं का प्रॉब्लम है, लेकिन असल में ये 3री का प्रॉब्लम है। आई थिंक ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, इनको मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, उनमें से किसी 2 को, तो 49 आंसर आता है, 57 आता है, 64 आता है। और ये x प्लस वाई और x प्लस जेड और y प्लस जेड करके आप करना चाहें तो फिर इट बिकम्स अ मैट्रिकुलेशन ओ लेवल प्रॉब्लम्स। बट इफ़ यू डू इट द राइट वे, इफ़ यू ट्राई टू विजुलाइज द क्वांटिटी जैसे हम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि फ़र्ज करें एक नंबर 1 है, इट्स समथिंग, नंबर 2 इज सम रेक्टेंगल एंड नंबर 3 इज सम रेक्टेंगल, राइट। एंड चूंकि 3 नंबर हैं तो वी हैव जस्ट टेकन ये 3 नंबर्स आर ऑर्डर में इस तरह हैं, और क्योंकि डिफरेंट नंबर्स हैं तो द वर्ड डिफरेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगर उन्होंने कहता है कि 2 1 जैसे हैं तो हम 2 1 जैसे बना लेते, ठीक है। अब आप देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन में से जो 2 छोटे हैं उनको मिलाऊं तो 49 आएगा ना, और जो 2 सबसे बड़े हैं उनको मिलाऊंगा तो 64 आएगा। तो इसको इस तरह से किया जा सकता है कि ये और ये मिले तो 49 आएगा, और ये मिले द टू लार्जर वंस तो 64 आएगा। अब नाउ एंड हमें इसको हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल इनका मिलाएं तो 113 बनता है। अब इसको अगर हम इस तरह विजुअलाइज करें कि ओके ये अलहदा कर लेते हैं और ये अलहदा कर लेते हैं तो इट बिकम्स अ पार्ट पार्ट होल प्रॉब्लम, कि ये तो 49 है, ये 64 है, और ये 113 माइनस दिस तो 50 समथिंग इधर आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर ये आ गया तो इसमें से ये आप माइनस करेंगे तो यू गेट द क्वांटिटी ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस इज दिस, सिंपल। इफ यू फाइंड वन यू कैन फाइंड अनदर। तो असल चीज थी रिप्रेजेंट करना। आगे चलते हैं, एक दो और एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। अगला मॉडल जो है वो कंपैरिजन का मॉडल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं।